सेयंस ड्रैगन बॉल की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट प्रजातियों में से एक है। खास करके हमारे मेन कैरेक्टर गोकू एंड वेजिटा भी सेयंस में ही आते हैं। बट आपको आखिर पता है कि टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर सेयन कौन से हैं? नहीं ना, तो आज मैं बताऊंगा। सो हे गाइस, मैं हूं पर एनिमल स्नैक्स इन शॉर्ट ADX। एंड अगर आपने ड्रैगन बॉल देखा है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। हम करते हैं वीडियो को शुरू। नंबर वन, काबा। काबा हमें ड्रैगन बॉल सुपर में इंट्रोड्यूस करवाया गया था। ये काफी ज्यादा शॉकिंग था कि एक बिल्कुल नया सेयन, वो भी उसे ऐसे इंट्रोड्यूस करवाया गया था कि वो किसी और यूनिवर्स का है। और ड्रैगन बॉल में काबा ऐसे तौर पे दिखाया गया है कि वो यूनिवर्स को बचाने में ज्यादा विश्वास रखता है, ना कि अपने पर्सनल यूज के लिए। और अगर हम बात करें काबा की पावर की, तो इसके फर्स्ट एनकाउंटर में इसके पास सुपर सेयन भी नहीं था। वो तो वेजिटा से लड़ने के बाद सुपर सेयन आया, एंड उस फॉर्म में ये वेजिटा की सुपर सेयन फॉर्म को अच्छे से टक्कर दिया। एंड उसके बाद ये दूसरी बार देखने को मिला था हमें टूर्नामेंट ऑफ पावर में, जिसमें जाके इसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है। इसके पास सुपर सेयन 2 भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है। कहा जाता है कि सुपर सेयन गॉड की टक्कर का आ गया था। एंड ये सिर्फ मेरे थॉट नहीं है, अकेरिया टोरियामा ने खुद कहा था ये। नंबर 2, लेजेंडरी सुपर सेयन ब्रोली। अब इसमें तो कोई शक नहीं है कि ब्रोली वन ऑफ द पॉपुलर कैरेक्टर है ड्रैगन बॉल में। इसके पास काफी कमाल की स्ट्रेंथ है, अच्छा काय है, अच्छी खासी बॉडी है। एंड बाकी इसे सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया गया था एक नॉन कैनन कैरेक्टर के तौर पे एक मूवी के अंदर, जिसमें ये गॉड बना था। बट उसके कुछ टाइम बाद अकेरिया टोरियामा ने इसे कैनन कर दिया था ड्रैगन बॉल सुपर ब्रोली मूवी में। एंड उसके बाद तो हम सभी के जानते हैं कि गोकू एंड वेजिटा को फ्यूज होके गोजिटा बनना पड़ा, और तभी इसको हराया। ब्रोली के पास खासियत है कि वो लेजेंडरी सुपर सेयन का स्टेटस तो रखता ही है, ये साथ ही साथ अपनी पावर को मल्टीप्लाई भी कर सकता है। बाकी इसकी पावर का इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि वेजिटा इसे जीरन, ब्लैक फ्रीजन, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन जैसी स्ट्रॉन्गेस्ट लिस्ट में रखता है, तो फिर ये मान लो कितना कमाल का। नंबर 3, गोकू ब्लैक। वैसे तो गोकू ब्लैक एक गॉड है, बट उसके पास एक सेयन बॉडी है, इसलिए वो एक सेयन के तौर पर भी माना जाता है। इसमें कोई शक नहीं कि वो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सेयन में से आता है ड्रैगन बॉल की हिस्ट्री में। एंड अगर हम बात करें गोकू ब्लैक की कमाल की बात की, तो इसके पास एक सुपर सेयन रोज फॉर्म है, जो बिल्कुल ही सुपर सेयन ब्लू गॉड फॉर्म जैसी ताकतवर तो है, बट साथ में कमाल भी काफी लगती है। और अगर रही बात ताकत की, तो इसकी ताकत इसी चीज से बढ़ गई थी कि इसके पास गोकू की बॉडी है, ऊपर से जमासू है जो एक गॉड है, तो दोनों की पावर मिला के ये काफी ज्यादा ताकतवर बन जाता है। नंबर 4, फ्यूचर ट्रंक्स। एंड अगर आप ड्रैगन बॉल फैंस है तो आपको पता होगा कि फ्यूचर ट्रंक्स हमें सबसे पहले देखने को मिला था एंड्रॉइड सागा में, जिसमें वो एंड्रॉइड 17, 18 एंड सेल से बचाने आया था अर्थ को। वैसे तो फ्यूचर ट्रंक्स के समय में काफी ज्यादा आइकॉनिक चीजें रही हैं, बट जिस इसका कोल्ड एंड फ्रीजा को जो काटा था ना इसने अपने इंट्रोडक्शन के साथ, वो तो लाजवाब। एंड अगर हम बात करें फ्यूचर ट्रंक्स की पावर की, तो गोकू ब्लैक आग शुरू होने से पहले इसकी पावर ऑलमोस्ट सुपर सेयन 3 के आसपास थी, जो गोकू का है। बट जैसे वो आग खत्म होने को आती है, तब हमें इसकी असली पावर देखने को मिलती है, एंड वो गोकू ब्लैक को तो आराम से हरा ही देता है, एंड साथ में फ्यूज जमासू को भी बीच में से काट देता है, जिससे इसकी ताकत और भी ज्यादा पता लगती है कि ये कितना ज्यादा ताकतवर हो गया टाइम के हिसाब से। नंबर 5, कॉलीफ्ला। कॉलीफ्ला भी एक सेयन है जो हमें ड्रैगन बॉल सुपर में ही दिखाई दी गई थी। इसे काबा से भी ज्यादा पावरफुल माना जाता है, जिसके इस हिसाब से इसकी इंट्रोडक्शन है। एंड बाकी इसके पास भी हमें सुपर सेयन ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्टिंग में नहीं देखने को मिला था, वो तो काबा ने बाद में इसको जाके सिखाया है। एंड उसके बाद इसने सुपर सेयन 2 ट्रांसफॉर्मेशन भी हासिल कर ली थी, एंड साथ ही साथ ही एक रिकॉर्ड भी था सबसे ज्यादा तेज सुपर सेयन 2 ट्रांसफॉर्मेशन को हासिल करने का। उसके बाद भी उसने गोकू के कामामेहा को अच्छे खासी टक्कर दी। बाकी इसे सबसे पहले और आखिरी बार टूर्नामेंट ऑफ पावर में देखा गया था। इसकी पावर ज्यादा दिखाई तो नहीं गई है, बट ये काफी ज्यादा स्पेशल सेयन थी। नंबर 6 पे आता है कुंभर। कुंभर बिल्कुल ही लेटेस्ट एडिशन है ड्रैगन बॉल की दुनिया में। इसे भी हमें दिखाया गया है काफी इस कमाल के तरीके से, एंड फैंस को इसको काफी अच्छा भी लगा था, खास करके इसका सुपर सेयन 3 ट्रांसफॉर्मेशन जो काफी कमाल का लगा। वैसे तो इसके बारे में काफी ज्यादा कमाल की चीजें हैं, बट जो चीज इसे और भी ज्यादा खतरनाक बना देती है, ऑलमाइटी जीरन से लड़ चुका है एंड उसे ऑलमोस्ट हरा भी चुका है। वैसे तो कुंभर को हमें एक इवल सेयन की तरह इंट्रोडक्शन दिया गया था, बट कुछ समय के बाद वो एक अर्थ प्रोटेक्टर की तरह हमें दिखाया गया, जो काफी अजीब बात। एंड अगर बात करें इसके फुल पोटेंशियल की, तो ये मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को तो अभी नहीं हरा सकता है, बट इसकी पावर काफी ज्यादा पास है गोकू के लेवल के, मतलब ये सरपास कर सकता है अगर थोड़ी और ट्रेनिंग करे तो। नंबर 7, वेजिटा। वेजिटा ड्रैगन बॉल का एक ऐसा करेक्टर है जिसे सिर्फ अपने मेन करेक्टर की वजह से काफी ज्यादा पीछे धकेला जाता है, बट इसके पास पोटेंशियल काफी ज्यादा है। अगर ड्रैगन बॉल में गोकू के बाद अगर किसी को स्ट्रॉन्गेस्ट सेयन माना जाता है, तो वो वेजिटा को ही माना जाता है, क्योंकि वेजिटा के पास काफी ज्यादा कमाल की ताकत है। एंड हमें रिसेंटली आर्क में इसकी अल्ट्रा ईगो फॉर्म भी देखने को मिली है, जो काफी
काफी ज्यादा कमाल की तो है। एंड जो चीज इसे ताकतवर बनने में मदद करती है वो है इसका सियन प्राइड, क्योंकि एक सियन प्रिंस एंड बिल्कुल राजे की तरह दूसरों का बाजा बजाता है। बाकी जो भी कहो, राइटर्स ने इसको इतनी ज्यादा इज्जत नहीं दी है क्योंकि गोकू को अल्ट्रा इंस्टिंक फॉर्म दी जो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इवन की वेजिटा की अल्ट्रा ईगो फॉर्म से भी वो ज्यादा ताकतवर है। बाकी लोग कहते हैं कि वेजिटा गोकू से ज्यादा मेहनती है, इसमें तो कोई भी शक नहीं है। बाकी ये कुछ लोग कहते हैं कि गोकू को फॉर्म ऐसे वैसे मिली है, मैं वो बिल्कुल नहीं मानता हूँ। बाकी वेजिटा ने काफी ज्यादा मेहनत की है इस लेवल तक पहुंचने के लिए। नंबर 8, गोहान। ये एक ऐसा लोता ड्रैगन बॉल में करेक्टर है जिसके साथ काफी ज्यादा छेड़खानियां की गई है। स्टार्टिंग में काफी ज्यादा ताकतवर था बट बाद में इसे कमजोर कर दिया गया एंड अब ये कुछ ज्यादा ही अलग लेवल पर है। गोहान की जर्नी की बेसिकली स्ट्रॉन्गेस्ट शुरुआत होती है सेल के खिलाफ, जब वो सेल को हराता है। ये वन ऑफ द बेस्ट मूवमेंट थी बट उसके बाद आगे सेल सागा में ये काफी ज्यादा वीक हो गया। मेरा मतलब ड्रैगन बॉल सुपर फ्रीजा सागा में, एंड उसके बाद ये काफी टाइम तक कमजोर रहा टूर्नामेंट ऑफ पावर तक। बट उसके बाद हमें नई मूवी देखने को मिली ड्रैगन बॉल सुपर हीरो, जिसमें इसकी गोहान बीस ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिली एंड वो भी किसके खिलाफ, सेल मैक्स के खिलाफ। पता नहीं अकेरिया टोरियामा इसे हमेशा सेल के खिलाफ ही तक पर क्यों दिखाते हैं, बट इसकी अगर फाइनल ताकत की बात करें तो अकेरिया टोरियामा ने कहा था ये इस वक्त का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सियन है। बाकी ये चीज जैसे ही एनिमे आएगा वो चीज दूर भी हो जाएगी। बाकी ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट करेक्टर रहा है। नंबर 9, गोकू। गोकू का करेक्टर ऐसा है जिसमें हमें साल दर साल इम्प्रूवमेंट ही देखने को मिली है। इसके पास काफी कमाल की ताकत है, खास करके इसका मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म जो गॉड से भी लेवल के ऊपर का है। और तो और ये ताकतवर हो भी क्यों ना, ड्रैगन बॉल का मेन करेक्टर जो है इसने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म विश से सीखी थी जो इसका एक मास्टर है। बाकी हमने इसकी असली पावर तो गैस एंड मोरो के खिलाफ देखने को मिली है। बाकी गैस के खिलाफ थोड़ी ये पावर फीकी पड़ गई थी। बाकी ये काफी कमाल का सेन रहा है। नंबर 10, ओरिजिनल सुपर सेन गॉड यामाशी। अब इसमें भी कोई शक नहीं कि यामाशी जो एक सुपर सेन है ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। ये हमें ड्रैगन बॉल सुपर ओरिजिनल में तो कभी देखने को नहीं मिला गया बट इसके बारे में किताबों में बताया गया कि ये सुपर सेन गॉड था। एंड इसके बारे में एक कमाल की चीज है कि ये सबसे पहला सुपर सेन गॉड ट्रांसफॉर्मेशन अचीव करने वाला बंदा तो है ही, साथ ही साथ ये प्लेनेट वेजिटा में भी गोकू वेजिटा एंड ब्रोली के बाद जो बचा था ये वही है। बाकी ये एक अच्छा सेन बिल्कुल भी नहीं है कि इवल सेन के तौर पे हमें दिखाया गया है, मतलब दिखाया तो नहीं गया बट इसके बारे में बताया गया है। बाकी इसके अलावा केल भी एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सीएन थी। सो आई होप सबको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो के साथ, तब तक टाटा नमस्कार, सब्सक्राइब करें, बाय बाय। बाकी माफ करना अगर लिस्ट में कोई नया सीएन आया हो और वो रह जाए, जो कोई ऐसा पुराना हो, क्योंकि मैंने तो अपने टाइम से सारे सीएन निकाल लिए।